सीधे ले चलते हैं भाजपा कार्यालय, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संवाद करेंगे मीडिया से। आज इस पत्रकार वार्ता में हृदय से अभिनंदन है। गणेश उत्सव पर्व की आप सबको बहुत बहुत भारत के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि हम सब लोग 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर सेवा और समर्पण का अभियान हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के परिप्रेक्ष्य में सेवा और समर्पण के अभियान के तौर पर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर मनाएंगे। वैसे चर्चा आप लोगों से लगातार हुई भी है, सारे बिंदु भी आपको पता है, लेकिन आज ये था कि व्यवस्थित तौर पर एक बार आपके सामने ये सारा अभियान हमारा जो चलेगा वो आपके साथ बिंदु से ये पहुंचे। तो इस दिशा में हम लोग सेवा और समर्पण के अभियान में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपनी जो योजना बनाई है उस योजना के साथ हम सेवा के भाव के साथ और उस समर्पण के साथ मैदान में उतरे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव के अभियान को हमने इस रूप में लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव ही गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। उन्होंने हमेशा जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने अभी जो नारा दिया कि हम सबके प्रयासों के माध्यम से अपने देश को आगे ले जाने में हमको सफलता मिलेगी, हम सब लोग इस काम में जुटे हैं। तो इस प्रकार से इस अभियान में कुछ बातों का उल्लेख जरूर इसलिए करना चाहता हूं, बाकी सारी जानकारी भी आपको ब्रीफ भी करेंगे और प्रेस नोट में भी सारी बातें मिलेंगी। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि जन्म दिवस के इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी के वैक्सीनेशन का जो अभियान है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर बहुत फोकस किया और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद मोदी जी, आपने देश के अंदर उन वैज्ञानिकों को प्रेरित करके इस देश के स्वयं के अपने वैक्सीन बना करके भारत के अंदर हर व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध वैक्सीन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के साथ हमारे कार्यकर्ता सहयोग करते हुए प्रत्येक बूथ बूथ पर इस अभियान को गंभीरता के साथ लेकर के, जैसे पहले भी हमने किया है, दो बड़े महाअभियान हमारे चले उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इन 7 दिनों में 71 लाख टीके माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पर 7 दिन के अंदर 71 लाख टीके नमो टीका अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार के समन्वय के साथ इस अभियान को बड़े पैमाने पर प्रारंभ करेगी। इसमें हमने कहा है कि नमो टीका का लक्ष्य हमारा हर बूथ पर 111, यानी प्रत्येक बूथ, यानी हमारे 65,000 से ऊपर बूथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हैं, प्रत्येक बूथ पर 111 टीके लोगों को आइडेंटिफाई करके जिनको सिंगल डोज लगा उनको डबल डोज लगे और जिनको एक डोज नहीं लगा तो उनको पहला डोज लगे। और हमारी सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है कि इस अभियान के दौरान हम अपने टीके के लक्ष्य को पूरा करें, तो सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, हमारा संगठन भी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 111 लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाए,
प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी अपनी रचना खड़ा करने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किया, और इसके जो हमारे कार्यकर्ता हैं, अलग अलग कार्यकर्ताओं को इस काम की जिम्मेदारियां लोगों को अलग अलग मिली हैं, तो सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, जिले से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के बूथ तक सभी कार्यकर्ता इस अभियान में 23 तारीख तक बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ये भारतीय मध्य प्रदेश के अंदर भूखा न रहे, किसी प्रकार की समस्या में लोग जो उनके लिए हम मदद करने के लिए खड़े हैं, तो कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस भूमिका में एक ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस देश के अंदर हेल्थ वॉलंटियर्स स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया है। प्रत्येक बूथ पर 4 कार्यकर्ता, इसमें 1 महिला कार्यकर्ता अनिवार्य है, और 3 हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल में, जो 1070 मंडल है उसमें 4 हमारे स्वयंसेवक हेल्थ वॉलंटियर, जिसमें 1 डॉक्टर, 1 महिला और 2 कार्यकर्ता। इसी प्रकार जिले में ये चयन पूरा स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का मध्य प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है। मुझे बताने में बड़ा गर्व है आप लोगों को कि 65,000 में से हम लगभग 50,000 पर पहुंच गए, 50,000 बूथों तक, और 1,51,000 हेल्थ वॉलंटियर्स ऑनलाइन जुड़ करके उनका प्रशिक्षण होकर के उनको कैसे ऑक्सीमीटर से काम करना है, कैसे उनको थर्मामीटर से काम करना है, और ये जो किट हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह की कई प्रकार की चीजें हैं, तो इस प्रकार के जिले, ब्लॉक और बूथ लेवल तक का प्रशिक्षण का अभियान भी हमारा पूरा 1,51,000 लोगों का हो गया। अभी बाकी बूथ बचे हैं, उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को पहला काम इस टीकाकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ पर अपनी भूमिका वो निभाएंगे। बाकी कार्यकर्ता लगे, क्राइसिस मैनेजमेंट भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता पंचायतों की दीनदयाल अंत्योदय समितियों में भी, हर पंचायत पर हमारे कार्यकर्ता हैं। तो ये सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता जैसे चुनावी अभियान में जुड़ते हैं, उसी प्रकार से इस अभियान में प्रमुख भूमिका हमारे हेल्थ वॉलेंटियर, स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की होगी, जो हमारे लिए गर्व का विषय है कि इतना बड़ा नेटवर्क माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज इस मध्य प्रदेश के अंदर जो खड़ा हुआ है, तो उनको पहला ही काम टीकाकरण के अभियान में अपनी भूमिका निभाना, इसमें हम बड़े पैमाने पर सफल होंगे, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। प्रदेश और जिला कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रदर्शनी लगाएंगे, जिसका प्रारूप हमारे सभी जिलों में उसकी तैयारी हमारी हुई है। यहां भी आप देखेंगे प्रदर्शनी यहां लग करके तैयार होने वाली है, और एक ऑनलाइन प्रदर्शनी भी होगी नमो ऐप के माध्यम से, हम वर्चुअली भी प्रदर्शनी हमारी रहेगी, जिसको हम वर्चुअली लोगों को भेजने का काम करेंगे, जिससे लोग वर्चुअली भी प्रदर्शनी को नमो ऐप पर देख सकें। दूसरा हमने बड़ा अभियान लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वच्छता के अभियान को, पिछली बार मन की बात के अंदर कहा था कि स्वच्छता के अभियान को फोकस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हमने संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत की छवि को बदला माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर कि भारत गंदा देश नहीं, भारत स्वच्छ देश है, सुंदर देश है, पर्यावरण की दृष्टि से भारत दुनिया के अंदर सबसे अच्छा देश है। आज स्वच्छता के अभियान में हमने नए पैमानों पर कई प्रकार के आज पैरामीटर्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो लोगों ने खड़े किए हैं, और आज मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे गर्व है इस बात का कि जब भी स्वास्थ्य सर्वेक्षण होता है स्वच्छता का, तो इंदौर से लेकर के हमारे कई शहर उसमें 1 नंबर पर आकर के खड़े होते हैं।
तो इसलिए जब भी ये बात होती है तो स्वच्छता के अभियान को हमने तय किया है कि 16 तारीख यानी कल प्रत्येक जिले के 71 धर्म स्थलों पर 71 धर्म स्थलों को तय करेंगे, उनके स्वच्छता का अभियान 16 तारीख को सभी कार्यकर्ता जगह जगह पर जाकर के उनकी सूचियां बन गई हैं, उनके इंचार्ज अलग हैं, हर कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठकें कर रहे हैं, सूची कहता हूं कोई बड़े बड़े शिविर लगेंगे, लेकिन हमको लगता है कि अपने मंडल के अंदर हमने 50 लोगों को इस प्रकार के कोई उपकरण बांटे हैं, 25 लोगों को बांटे हैं, तो ये प्रयास हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहे हैं कि इस करण कार्यशाला और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और दूसरी तस्वीर भाजपा कार्यालय की, जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आज मुझे बताने में आप लोगों को गर्व है कि लगभग 5000 डॉक्टर्स यानी 1070 डॉक्टर तो हमारे प्रत्येक मंडल की जो कमेटी बनी है, जो बनी है स्वास्थ्य लोगों की, उसमें एक डॉक्टर है यार प्रत्येक मंडल पर, यानी 1070 डॉक्टर हो, बाकी 4000 डॉक्टर और हमारी चेन बनी है जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा प्रकोष्ठ ने उनको जोड़ने का काम, और ऑनलाइन उनसे हमने बातचीत भी एक बार की है, पुनः हम इस बार करेंगे। तो ऐसे लगभग 5000 डॉक्टर्स का जो चेन बना है, तो ऐसे हमारे सभी डॉक्टर्स मिलकर के चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हर जिले में हम स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे। साथ में ही 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने इतने बड़े विचार को दिया, जिस विचार पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यक्रम जो हमारे होते हैं उनमें एक हमारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है श्यामा प्रसाद अपने डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर प्रत्येक बूथ पर हम कार्यक्रम करते हैं, उनके चित्र पर माल्यार्पण, उनके जीवन और कर्तृत्व व्यक्तित्व पर लोग अपना विषय रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से चरितार्थ करने का काम किया है, मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने गरीब घर के व्यक्ति थे कि झोपड़ी में रहते थे, नगला चंद्रभान में गांव के अंतिम छोर पर झोपड़ी थी, और एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति इस देश को इतना बड़ा विचार देता है, इतने बड़े संगठन जो दुनिया का सबसे बड़ा दल बन गया, जिसका सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री आज दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहा है उस विचार पर। तो अंत्योदय की उन योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या जितने भी आयुष्मान भारत कार्ड, ये जितने भी हमारी गरीब कल्याण की अंत्योदय की योजनाएं उस विचार पर प्रतिपादित हुई है, इनको जमीन पर उतारने का काम कि गरीबों के जीवन को बदलना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से किया है। तो 25 तारीख को हम इन सारी बातों को प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता दीनदयाल जी के जयंती के अवसर पर करेंगे। इसी प्रकार से अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, और भी इस प्रकार के लोग, जरूरतमंद लोग जहां पर हैं,
उन सब में जाकर के अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम हमारे चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा हो, जनजाति मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएंगे वो सब करेंगे। एक हमने विशेष अभियान लिया है जो आप मीडिया के मित्रों ने उसको लिखा भी है कि हम इस अभियान के दौरान 1070 मंडल में नमो उपवन बनाएंगे। उस नमो उपवन के अंदर 71 पौधे छायादार फलदार या मेडिसिनल प्लांट जो उपयोगी हैं, जो वर्षों तक चलेंगे, तो 71 पौधे लगा करके नमो उपवन बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्रांतिकारियों के स्मृति में होगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े सीनियर कार्यकर्ताओं की हो सकता है उनकी स्मृति में पौधे लगे, या कोविड के महामारी के संकट में कई लोग इस आगोश में चले गए उनको स्मृति में लगे, उनके परिवार के लोग आकर के लगाएं, ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हमारे सभी कार्यकर्ता 1070 के 70 मंडल में नमो उपवन बनेगा, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के 71 पौधे लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर करेंगे। ये हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग